नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट बालाघाट की लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी के युवक लुरेस नखाते हैदराबाद में मजदूरी करने गया है एवं लॉकडाउन के चलते वहां फंस गया है। उसने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाते हुए बोल रहा है कि हम 20 लोग हैं एवं 3 दिन से भूखे हैं। और उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन नहीं लगने की बातों का भी जिक्र किया एवं जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है और मदद की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं जिला प्रशासन उनकी क्या मदद करती है। का प्रकोप चल रहा है एवं इसी प्रकोप को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है एवं लॉकडाउन के चलते कई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए मजदूर अनेक प्रदेशों में फंसे हुए हैं। एवं ऐसा ही एक मामला आया है कि एक व्यक्ति लुरेस नखाते जो कि लांजी क्षेत्र के मोहंजरी ग्राम का निवासी है, जो वीडियो के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह कर रहा है कि वे उन्हें भोजन की व्यवस्था एवं वहां से लाने की व्यवस्था की मांग कर रहा है। देखिए पूरा वीडियो समय जगत न्यूज़ में। मैं ग्राम मोहझरी तहसील लांजी जिला बालाघाट से लुरेश नखाते। हम यहाँ पे 20 लोग हैदराबाद में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हमने सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार ट्राई किया, फ़ोन लगाने का कोशिश किया। मैं 24 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा है। हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं खाए हैं। सरकार क्या कर रही है, हमारी मदद कब करेगी? कोरोना वायरस के चक्कर में 14 दिन और 17 दिन और लगने वाले हैं। 17 दिनों तक हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तो मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि वे हमारी मदद करें और हमें जल्द से जल्द हमारे घर हमारे गांव पहुंचाएं। बस यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए बालाघाट लांजी से रूपेश राबते की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।